नमस्कार दोस्तों, पीएसी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ष 2019 के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों, ये जो पुरस्कार एवं सम्मान है आपकी, आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो या रेलवे एनटीपीसी दो, ग्रुप डी दो, या फिर जो एसएससी एमटीएस की जो अभी निकली है दोस्तों, उसके फॉर्म अभी भरा रहे तो उसको ज़रूर भरिएगा। इन सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहला अपना जो पुरस्कार एवं सम्मान है उसको देखते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान है कि सरस्वती सम्मान जो है, ये वर्ष 2019 जो 18 के लिए किसको दिया है। दोस्तों, अगर बात करें इसके इतिहास की बात करें तो 1951 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसको 18 के लिए किसको दिया, तो के शिवा रेड्डी जो है इनको दिया गया है। ये कौन से नंबर का, तो दोस्तों 28वें नंबर का है। इसी प्रकार से हम देखें कि इनका उपन्यास या फिर काव्य संग्रह कौन सा था, तो इनका काव्य संग्रह था दोस्तों पक्का की ओती गिलीते हैं, और इसमें जो बात करते 104 कविताएं इस संग्रह में हैं। इसी प्रकार से 2017 का किसको दिया गया, तो दोस्तों सितांशु यशचंद्र जो है इनको दिया गया था। ये गुजराती लेखक है, और इनके बात करें इनका काव्य संग्रह कौन सा, तो वखार जो है इनका काव्य संग्रह है, ये 27वें नंबर का। दोस्तों, बात करें सरस्वती सम्मान किस प्रकार से नजर आता है, दोस्तों ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसी प्रकार से सरस्वती सम्मान की जो है इमेज है। चलिए हम देखते हैं अगला सम्मान। दोस्तों, हमारा अगला सम्मान है कि एबेल पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में केरल उहेल बेक जो है, अमेरिकी गणितज्ञ है, इनको ये दिया गया है। अगर बात करें कि ये जो पाने वाली कौन सी महिला, तो दोस्तों ये विश्व में ये पहली महिला ऐसी है जिनको ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो ये फोटो उसी सेरेमनी का है दोस्तों, जिनमें इनको ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम देखते हैं अगला पुरस्कार। दोस्तों, हमारा अगला पुरस्कार है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो ये दिया गया पीटर तबिची को, जो दोस्तों केन्या के एक शिक्षक है। इन्होंने केन्या के जो, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र जो है या फिर वहाँ का जो पिछड़ा हुआ जो एरिया है, उसी क्षेत्र में इन्हें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कार्य किया, इसीलिए इनको दिया गया। दोस्तों, बात करें कहाँ दिया गया, तो दोस्तों अभी हाल में दुबई में एक बैठक हुई थी उसमें ये दिया गया। तो ये फोटो में जो नज़र आ रही है, ये है पीटर तबिची। चलिए हम देखते हैं अगला पुरस्कार। दोस्तों, हमारा अगला पुरस्कार है कि व्यास सम्मान। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्ष 2018 का जो पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया लीलाधर जगुड़ी को। इनका जो काव्य संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम, ये इनका काव्य संग्रह, इनको इसके आधार पर इनको दिया गया है। और बात करें 2017 का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दोस्तों ममता कालिया को ये पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, यही लीलाधर जगुड़ी हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों में हम बात करें जो सभी राज्यों के महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री हो गए या राज्यपाल हो गए वो, और साथ ही साथ में प्रमुख नियुक्तियाँ जो हो गई वर्ष 2019 की, वो इसी आधार पर हम अनेक वीडियो लेके आने वाले हैं। और साथ ही साथ एमपी के लिए, आपके लिए जो है एमपी के लिए लाइव क्लास चलाने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला अपना सम्मान। दोस्तों, अपना अगला सम्मान है कि 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी जो है किसको दी गई है। तो दोस्तों, ये वर्ष 2016-17 के लिए टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर में इसका मुख्यालय है, तो इसको दी गई। और बात करें ये किसके द्वारा दी गई, तो इस्पात मंत्रालय जो भारत का, इनके द्वारा इसको प्रदान किया गया है। चलिए हम देखते हैं अगला सम्मान। दोस्तों, हमारा अगला सम्मान है कि 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार। इसकी बात करें कि प्रमुख फिल्म कौन सी किसको दिया गया, प्रमुख अभिनेता कौन है, तो इसको हम देखेंगे। तो पहला है कि 23 मार्च 2019 को मुंबई के बीकेसी जियो गार्डन में 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इसमें बात करें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी जिसको दिया गया, तो राजी फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है, तो कौन है दोस्तों, तो रणबीर कपूर, जो संजू फिल्म जो आई थी दोस्तों अभी हाल में कुछ समय पहले, तो इसी फिल्म के लिए इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें दोस्तों, तो आलिया भट्ट, जो इन्होंने राजी फिल्म में जो किरदार निभाया था, उसी के लिए इनको दिया गया है। दोस्तों, ये इमेज उसी समारोह की है जहाँ पे ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। चलिए हम देखते हैं अगला सम्मान। दोस्तों, हमारा तो हमारा अगला है कि डेन डेविस पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो दोस्तों, अभी हाल में वर्ष 2019 का जो है डेन डेविस पुरस्कार संजय सुब्रमण्यम, जो एक भारतीय मूल के, इनको दिया गया है। ये बात करके किसके द्वारा दिया गया, तो फेड डेवर डेविल फाउंडेशन तथा अभी यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दोस्तों, ये किस देश के द्वारा, अगर ये बात करें संस्था किस देश में है, तो दोस्तों इसराइल में जो है इस संस्था का मुख्यालय, और यहीं से इसको दिया जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला सम्मान। दोस्तों, हमारा तो दोस्तों हमारा अगला सम्मान लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड किसको दिया, तो दोस्तों ये स्वयं
सेवी संस्था युवा, ये जो है झारखंड में काम कर रही हैं, तो इनको झारखंड में संस्था है इनको दिया गया है। इसमें दोस्तों अभी हाल ही में कुछ भारतीय जो लड़कियां थी वो फुटबॉल के लिए उन्होंने अच्छा काम किया इस क्षेत्र में, और ये जो एक अमेरिकी नागरिक है उनके द्वारा जो है संस्था को चलाया जा रहा है। कौन सी युवा संस्था जो इसको, चलिए हम देखते हैं अगला जो अपना सम्मान है उसको। दोस्तों अपना अगला सम्मान है ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों दिव्या कर्नाड जो है इनको दिया गया है। अगर बात करें कि ये कौन है, तो पहली भारतीय महिला है, और अगर बात करें तो ऐसे ही है दूसरे भारतीय के रूप में, व्यक्ति के रूप में गिनी जाएगी। इससे पहले बात करें तो चारुदत्त मिश्रा जो पहले भारतीय पुरुष थे इनको दिया गया था, और पहले नंबर के भारतीय भी यही थे। बात करें इनको क्यों दिया गया, तो दोस्तों समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, और समुद्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का जो है वहाँ जीवों की जो स्थिति वर्तमान में खराब होती जा रही है। अगर बात करें हम प्लास्टिक का और इनका ज़्यादा उपयोग होने के कारण समुद्र में ज़्यादा बहने के कारण, तो इसी के कारण जो इनकी जो समुद्र में संरक्षण के लिए इनने काम किया, तो इसी के लिए इनको दिया गया है। चल हम देखते हैं अगला सम्मान दोस्तों। हमारा अगला सम्मान है भारत रत्न। दोस्तों अभी हाल ही में भारत रत्न जो भारत के तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है इनको दिया गया। वर्ष 2018 के लिए प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन तीनों को जो है दिया गया। अगर बात करें कि भारत रत्न की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई। कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करें कि पहली बार किसको दिया गया, तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनको पहली बार ये सम्मान दिया गया था। चलिए हम देखते हैं अगला पुरस्कार दोस्तों। हमारा अगला पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये किसको दिया गया, तो दोस्तों अभी हाल में वर्ष 2019 का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 8वीं बटालियन मतलब NDRF की जो 8वीं बटालियन है दोस्तों उसको दिया गया। ये कब दिया गया, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती जो 23 जनवरी को मनाई गई उसी के उपलक्ष्य में इसको दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसी वर्ष मतलब 2019 में ही इसको देने की शुरुआत की गई है। चलिए हम देखते हैं अगला पुरस्कार सम्मान दोस्तों। हमारा अगला पुरस्कार सम्मान है अशोक चक्र किसको प्रदान किया गया, तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ष 2019 का जो लायंस नायक नज़ीर अहमद वानी को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 4 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों जो नज़ीर अहमद वानी जो है इनकी बात करें, तो वर्ष 2018 में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, उसी के कारण इनको जो है अशोक चक्र प्रदान किया गया है। चलिए हम देखते हैं अगला पुरस्कार दोस्तों। हमारा अगला पुरस्कार है सांस्कृतिक सद्भाव टैगोर पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, तो इसकी बात करें दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर 2012 में की गई थी। अगर इसकी तारीख की बात करें दोस्तों, 7 मई को जो है ये जयंती मनाई जाती है। इस बार 158वीं इनकी जयंती मनाई गई अभी हाल में। अगर बात करें कि 2016 के लिए किसको दिया गया, तो दोस्तों राम सुतार वंजी जो है इनको दिया गया। राम सुतार वंजी दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी चर्चा में थे, क्योंकि जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो बनी या फिर स्टेचू बोले, तो सब जो इन्होंने ही बनाई थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है इनकी मूर्ति, जो भारत के जो पहले गृहमंत्री इनकी मूर्ति बनी थी गुजरात में, तो इसलिए चर्चा में थे। अगर बात करें 2015 का किसको दिया गया था, छायानाथ जो बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन है दोस्तों इसको दिया गया था। और अगर 2014 की बात करें, तो राजकुमार सिंगाजीत सिंह को ये दिया गया था। दोस्तों ये पुरस्कार आप देख रहे 16, 15 और 14 के लिए देंगे, लेकिन इनकी घोषणा 2015 में की गई है। तो चलिए हम देखते हैं अगला पुरस्कार दोस्तों। हमारा अगला पुरस्कार है 91वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार की बात करें, ये इनका आयोजन कहाँ हुआ और किन किन को दिया, तो हम उसको देखते हैं कि अमेरिका के लॉस एंजल्स स्थित डाल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है दोस्तों, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ग्रीन बुक, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था, रामी मालिक जो इसके जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, तो ओलिविया कोलमैन जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें, तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो है इसको ये चुना गया। दोस्तों ये जो फिल्म है, ये कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई है। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में ही इस फिल्म को जो है बनाया गया था, और भारत में जो मासिक धर्म जो है उससे जुड़े जो महिलाएं, उनमें जो ज़्यादा जागरूकता नहीं, उसी महिलाओं को जागरूक करने के लिए ही जो है इस फिल्म का निर्माण किया गया था। इसी आधार पर एक फिल्म आई थी पेडमैन, जो अक्षय कुमार के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं इन दोनों का एक ही संबंध, एक ही विषय से जुड़ी हुई है। और बात करें कि पेडमैन बनी तो किसके ऊपर बनी, तो अरुणाचलम जो मरुंगनाथम जो है उनके ऊपर ये बनी थी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम कि अगला हमारा है कि गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो दोस्तों ये
चार वर्षों के लिए अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो पहला हम बात करें 2018 के लिए, जो यही सासाकावा जो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत है, उनको ये दिया गया 2018 के लिए। 2017 के लिए बात करें तो एकल अभियान ट्रस्ट जो है उनको ये दिया गया है। और 2016 की बात करें तो अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, इन दोनों को ये दिया गया है। अक्सर जो अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है दोस्तों, ये जो अपना मध्यान्ह भोजन जो बनता है उसी तरह से जो है ये फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही कम रुपए या पैसे लेके जो है ये भोजन उपलब्ध कराया जाता है ज़रूरतमंदों को। और अगला जो है हमारा 2015 में दिया गया कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को जो है ये दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और अच्छा लग गया तो कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैंने बता ही दिया आपको, बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।